हेलो एवरीवन। चलो बात करते हैं बच्चा, लास्ट टाइम उन्हें पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो अब उसके एप्लीकेशन देखते हैं। डेरिवेशन कोई पूछने वाला नहीं है, एप्लीकेशन पे सवाल आएंगे सीबीएसई में भी, नीट में भी और जेई में भी, ठीक है? तो समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। तो हमारा आज का लेक्चर जो बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करना सीखना है, ठीक है? मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे ना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे वो सिस्टम की एनर्जी में स्टोर होगा, सिस्टम की एनर्जी, ठीक है? मैंने बताया था आपको कि दो पॉइंट चार्ज है, मान लो मेरे पास एक क्यू वन है, दूसरा क्यू टू है और इनके बीच का सेपरेशन आर है मेरे पास, ठीक है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी वो क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के तो आप जानते हो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है? क्यू वन क्यू टू पुट करने हैं विद साइन, पुट विद साइन। आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ठीक है बच्चा? बिटवीन पॉइंट चार्जेस। अब इसको यूज करना सीखते हैं। दो का तो हमने सीख लिया बच्चा, ठीक है? अगर दो से ज्यादा चार्जेस हों तो कैसे निकालना है हमारे को, तो वो हम देखते हैं बच्चा, ठीक है? फॉर्मूला याद रहेगा दो के लिए, तो दो के लिए देखते हैं, फिर तीन के लिए देखेंगे, फिर चार के लिए देखेंगे, तो ऐसे हम इसको केसेस देखेंगे। फॉर्मूला याद है ना? अब फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं। देखो भाई, मान लो एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो पहले एक ट्रायंगल लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों पे पॉइंट चार्ज रखे हैं मैंने क्यू, ठीक है? और ट्रायंगल इक्विलेटरल साइड भी क्या होगी मेरे पास, आर मान लेता हूं, यहां पे भी आर, यहां पे भी आर और यहां पे भी आर मान लिया। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है? तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी के सवाल करने हैं ना, तो ऐसे मान लो कि हम इस सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को एक और चीज ही बोलते हैं हम लोग, वर्क डन, ठीक है? वर्क डन टू मेक द सिस्टम और वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम। देखो, सिस्टम को बनाने में जितना वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी है, या सिस्टम को तोड़ने में जो वर्क करना पड़ा वो मेरे पास क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है बच्चा? तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो, अब याद करो पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे थी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क जो कर रहे थे वो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब सिस्टम को बनाना है, तो सिस्टम को बनाएं कैसे, वन बाय वन चार्ज लेके आएंगे, वन बाय वन चार्ज लेके आएंगे। तो पहला चार्ज लेके आऊंगा, मान लो ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहां लेके आया, अभी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहां लेके आया, तो क्या मैंने किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया? नहीं किया। क्यों? देखो, अगर कोई चार्ज यहां पे है ही नहीं और मैं क्यू को इन्फिनिटी से यहां लेके आ रहा हूं, तो यहां कोई चार्ज है ही नहीं मेरे पास, तो कोई रिपल्सिव फोर्स है ही नहीं मैं, तो जिसके अगेंस्ट मैं वर्क करूं। तो जब भी पहला चार्ज लाओगे ना आप इन्फिनिटी से यहां पे, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है बच्चा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने कोई वर्क किया ही नहीं, रिपल्सिव फोर्स थी ही नहीं मेरे पास। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में नो वर्क डन। क्यों वर्क डन नहीं है? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स नहीं थी मेरे पास, या अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी, ना तो कोई अट्रैक्ट करने वाला था ना कोई रिपेल करने वाला था, ठीक है बच्चा? तो पहला चार्ज लाओगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इसको लाने में वर्क डन क्या है मेरे पास, जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है? अब मुझे सिस्टम को बिल्ड करना है, तो वन बाय वन चार्ज लेके आ रहा हूं। पहले चार्ज मैं ये ले आया मान लो, ठीक है, इन्फिनिटी से यहां पे। अब मान लो इसको ले आऊं या इसको ले आऊं, किसी एक को तो लाना पड़ेगा ना, तो पहले मैं मान लो इसको ले आता हूं, अभी भी ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही चार्ज है, ठीक है? तो अब हम जानते हैं, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, अगर एक चार्ज क्यू है
और दूसरे चार्ज क्यू को मैं इन्फिनिटी से यहां लाता था मैं, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाता था। तो वर्क डन निकाला था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने, वो क्या आया था, के क्यू वन क्यू टू बाय आर आया था मेरे पास। यहाँ पे क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू है मेरे पास, तो क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाय आर बन जाएगा। ये तो लास्ट टाइम डिराइव किया था हम लोगों ने फॉर्मूला, ठीक है जी। तो अब जब इसको लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये अभी आया ही नहीं है, ठीक है। पहले मैं इसको लेके आया इन्फिनिटी से, कोई चार्ज था ही नहीं, तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। जब इसको लेके आऊँगा तो उससे पहले ही आ चुका है, तो जब इसको लेके आऊँगा इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो इसकी रिपल्सिव फोर्स इसे रिपेल करेगी, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर। रिपल्सिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो किससे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो कितना वर्क हुआ, के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये भी आ गया। अब ये इसको लेके आना है, क्योंकि वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क डन टू मेक द सिस्टम और ब्रेक द सिस्टम। तो दो तो ले आए, अब तीसरा चार्ज लेके आना है। जब तीसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आऊँगा तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो उन दोनों का, अब इसकी रिपल्सिव फोर्स ने कितना काम किया वो देखना पड़ेगा, और इसकी रिपल्सिव फोर्स ने कितना काम किया इस पर वो देखना पड़ेगा। तो पहले इसको इसका देख लें हम लोग। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, दो चार्ज हैं, सेपरेशन आर दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर, तो के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इंटू क्यू बाय आर आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चा। तो इसकी रिपल्सिव फोर्स तो देख ली हम लोगों ने, अब इसकी रिपल्सिव फोर्स, तो ये भी क्यू, ये भी क्यू, सेपरेशन आर, तो क्या लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वो भी क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो फिर से दोनों के चार्ज तो सेम है, क्यू क्यू बाय आर आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चा क्या बन गया मेरे पास, ये भी क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये भी क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, और ये भी क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है बच्चा। तो क्या बन गया, थ्री के क्यू स्क्वायर बाय आर, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। यानी ये जो है थ्री के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो बच्चा क्या, अगर दो पॉइंट चार्ज है, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, अगर दो से ज्यादा हो तो क्या करो, सिस्टम को बनाओ, पहला चार्ज लेके आओ, पहला चार्ज लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, जब दूसरा चार्ज लाओगे तो जो पहला चार्ज है वो उसे रिपेल करेगा, तो उन दोनों की क्या लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखी, ठीक है, के क्यू वन क्यू वन, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है। अब ये दो चार्ज आ गए, जब तीसरा चार्ज लाओगे तो तीसरे चार्ज को ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं अब, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन, इन दोनों की जो फोर्स होगी वो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, दोनों चार्ज ले लो और उनका सेपरेशन देख लो। फिर इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालोगे, दोनों चार्ज ले लो और उनका बीच का सेपरेशन ले लो, क्लियर है बच्चा। तो उनका सबका सम कर दोगे ना, तो क्या बनेगी मेरे पास, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम हम, ठीक है। देखो बच्चा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरे पास, मान लो मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर पे चार्ज दे रखे हैं q q q q, साइड दे रखी है r r r और r। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फिर से स्टेप्स देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे, ठीक है, ताकि ये सिस्टम बन जाए। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेक द सिस्टम और ब्रेक द सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर कहता है कि पहले एक चार्ज लेके आओ, मतलब सिस्टम को बनाओ, सिस्टम बनाने के लिए वन बाय वन चार्ज लेके आओ। जब पहला चार्ज लेके आया, मान लो इसको लेके आया पहला चार्ज, जब पहला चार्ज लाऊंगा उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई ना अट्रैक्ट करने वाला ना कोई रिपेल करने वाला, तो सारे वर्क डन का सम लिखना है। तो पहले चार्ज को लाने का वर्क डन कितना है, जीरो। अब मान लो इसको लेके आ रहा हूं, अभी ये दो चार्ज एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये लेके आया हूं, अब ये लेके आ रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का
इंट्रैक्शन एनर्जी लिखनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, क्यू वन भी क्यू, क्यू टू भी क्यू, सेपरेशन क्या है इनके बीच का, आर, तो क्या लिख दिया, के क्यू क्यू बाय आर। समझ में आया बच्चा? अब दो चार्ज मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा चार्ज मान लो मैं ये लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो तीसरे चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो दो ऑलरेडी हैं, तीसरा लेके आ रहा हूँ, तो इस तीसरे को पहले वाला भी रिपेल करेगा, इस तीसरे को दूसरे वाला भी रिपेल करेगा, तो पहले वाले ने कितना रिपल्शन या कितना वर्क डन किया, तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकाल लो, ये आर है ये आर है, तो ये क्या होगा, रूट टू आर, कैसे, पाइथागोरस लगा दो इसमें, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो टू आर स्क्वायर का रूट क्या आएगा, रूट टू आर। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, क्यू वन भी क्यू, क्यू टू भी क्यू, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट टू आर। तो इन दोनों की रिपल्सिव फोर्स मैंने निकाल ली, फोर्स मतलब एनर्जी वर्क डन निकाल लिया। अब इन दोनों का निकालना है, क्योंकि इसे ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, इसके रिपल्शन कारण जो वर्क डन आया वो मैंने निकाल लिया, अब इसके रिपल्शन कारण जो वर्क डन आएगा वो निकालना है। वो कैसे निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, दो पॉइंट चार्ज वाले, तो वो क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, क्यू वन भी क्यू, क्यू टू भी क्यू, और सेपरेशन क्या है मेरे पास, आर है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, तीन चार्जेस आ चुके हैं, ठीक है, अभी चौथा चार्ज मेरे को लेके आना है, तो उसके वर्क डन भी आएंगे। अब जब चौथा चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ ये वाला, तो इससे ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो तीन तीन वर्क डन आएंगे मेरे पास, चार्ज वन के कारण, चार्ज टू के कारण और चार्ज थ्री के कारण, ठीक है। तो पहले चार्ज वन का वर्क डन देखते हैं, वो तो क्या है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, आर है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें, तो क्या आएगा, के क्यू क्यू बाय आर, इसका वर्क डन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका वर्क डन लिखते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट टू आर, तो जो वर्क डन आएगा बच्चा मेरे पास क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू, दोनों क्या है, क्यू ही है मेरे पास, बाय रूट टू आर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों का रिपल्सिव तो क्या लगा दूं, दो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, के क्यू क्यू बाय सेपरेशन कितना है इनके बीच में, आर, तो इन सारी टर्म को हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। आया समझ में? चलो अब पता क्या है, यहां पे देखो पहले मेरे पास तीन चार्ज थे ट्रायंगल वाले, ठीक है, अब मेरा चार चार्ज है, तो बच्चा पूछता अगर मान लो एन चार्ज हो तो कितनी टर्म्स बनेंगी मेरे पास, जैसे यहां पे कितनी बन रही है, छह बन रही है, एक दो तीन चार पांच छह बन रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास n चार्ज हो तो कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो देखो तीन वाले में कितनी बनी थी अपने पास, इसकी तो जीरो बनी थी, इसकी एक बनी थी, ठीक है जी, और वैसे तीन बन गई मेरे पास टर्म, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ड्राइव कर ले हम लोग, ठीक है, तो इसकी बन रही है छः, उसकी बन रही है तीन, ठीक है, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, कितनी टर्म्स बनेंगी इस एक्सप्रेशन में वो मैं बता रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है, जीरो तो कुछ है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। तो एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ चार्जेस, एन को फोर पुट करो, ठीक है, एन को फोर पुट किया, फोर आ गया, ये थ्री आ गया, तो फोर इंटू थ्री बाय टू, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिक्स आ गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितनी टर्म बनेगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो क्या आपको याद क्या रखना है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, या फिर सिंपल आप देख लो एन सी टू, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि एन सी टू, ठीक है, लेकिन ऐसे याद रख लो बेटर रहेगा, जिसका मैथ्स नहीं है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी टर्म्स बनेंगी, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आपको करना है। तो यही सीबीएसई पूछती है बेसिकली, दो तीन बार पूछ चुकी है सीबीएसई यही क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है। मान लो स्क्वायर ले लो, स्क्वायर है, उसके साइड्स पे चार्ज दे रखे हैं आपको, क्यू क्यू क्यू, और यहाँ पे क्या दे दिया, माइनस क्यू दे दिया,
साइड मान लो आपको आर दे रखी है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ आप, ठीक है? तो वो कैसे बताएंगे बच्चा, सुनो, वही स्टेप है। पहला चार्ज लेके आओ, मान लो इसको लेके आया पहला चार्ज को मैं, ठीक है? तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। फर्स्ट चार्ज को लाने का वर्क डन क्या है? जीरो। सारे वर्क डन को ऐड करना है, और वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, दो पॉइंट चार्ज वाले से, ठीक है जी? अब मान लो इसको लेके आया, तो अभी एक ही चार्ज था मेरे पास, तो इसे एक ही रिपेल करेगा, बेसिकली यही रिपेल करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो वर्क डन होगा इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए, वो क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो के क्यू क्यू बाय आर आ गया मेरे पास, ठीक है? अच्छा, इसको ले आया। अब मान लो इसको लेके आना है, तो इसको लेके आ रहा हूँ, ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं, ये और ये, तो इसे दो रिपेल करेंगे, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है जी? तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन फोर्स निकालनी है, तो फिर से ये क्या है, डिस्टेंस क्या आएगा? रूट टू आर आएगा मेरे पास। तो क्या आएगा? माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि चार्जेस पुट करने हैं विद साइन, ये क्यू है और ये माइनस क्यू है, और फॉर्मूला क्या है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है? तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर की वैल्यू क्या है? रूट टू आर आ गया मेरे पास, ठीक है? इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो क्या आएगा? माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, चार्ज पुट करना है विद साइन, माइनस के क्यू क्यू बाय आर आ गया मेरे पास, ठीक है? तो अब तीन चार्ज तो मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है? अब करना क्या है, इस चार्ज को लेके आना है मेरे को, ठीक है? तो इस चार्ज को कितने फोर्स, कितने रिपेल करेंगे? एक, ये कितना इंट्रैक्शन? एक दो और तीन। इनका इंट्रैक्शन कैसा आएगा? के क्यू क्यू बाय आर, आर क्यों? सेपरेशन इनके बीच का आर है, इन दोनों का के क्यू क्यू बाय रूट टू आर, प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव वाला है, के क्यू क्यू बाय रूट टू आर, ठीक है? अब इन दोनों का नेगेटिव आएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, के क्यू क्यू बाय सेपरेशन कितना है? आर आ गया मेरे पास। तो देखो कुछ कटता है तो काट देते हैं, माइनस के क्यू क्यू बाय रूट टू आर, यहाँ प्लस के क्यू क्यू बाय रूट टू आर, तो कट गया ये, के क्यू क्यू बाय आर, के माइनस के क्यू क्यू बाय आर, ये भी कट गया, और ये के क्यू क्यू बाय आर, के ये दोनों भी कट गए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई मेरे पास? जीरो आ गई सिस्टम की, ठीक है बच्चा? जीरो कैसे आ गई? देखो, सोचने वाली बात है कि बस फॉर्मूला पुट करते हो जीरो आ गया, नहीं। देखो, जब मैं रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ अट्रैक्टिव भी आ रही है, रिपल्शन के कारण क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? एनर्जी घटती है। तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स ही दिख रही है, देखो आपको, ये तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपस में रिपेल, जो पॉजिटिव है आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, और जो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर रिपल्सिव फोर्स है बेसिकली, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती है, और अट्रैक्टिव हो तो घटाती है, तो दोनों का बैलेंस क्या आ गया इसमें? जीरो आ गया। नेट अट्रैक्टिव बराबर नेट रिपल्सिव, इसलिए क्या हो गया मेरे पास? क्या हो गया? ये आंसर मेरा जीरो आ गया इसका, ठीक है बच्चा? यहां तक कोई तकलीफ बच्चा? चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी में यही टाइप के सवाल बनते हैं। एक आधा सवाल और है जो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है? चलो देखो, अब क्या पूछता है आपसे, एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में वर्क कितना करना पड़ेगा? प्रोफाइल का नाम क्या है? वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? सिंपल, देखो लोकेशन चेंज कर दूं तो कितना वर्क डन होगा? देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो ये चार्जेस थे, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपकी नीट में, जेई में, सीबीएसई में नहीं पूछेंगे ये लोग, ठीक है? ये सीबीएसई वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं इसको, ये सिर्फ जेई वाले या नीट वाले बच्चे कर लो, ठीक है? मान लो तीन चार्ज थे, क्यू क्यू क्यू, ठीक है बच्चा? ये तीन चार्ज थे और इनके बीच का सेपरेशन क्या था? आर था मान लो, ठीक है? अब वो बोलेगा कि यार इसको श्रिंक करना है, इनको इस कॉन्फ़िगरेशन में ले आया, मतलब इस लोकेशन में ले आया, ऐसे। ट्रायंगल तो क्या रहा? इक्विलेटरल रहा मेरे पास, चार्ज भी सारे सेम है, पहले ये सारे आर डिस्टेंस पे थे, अब ये तीनों कहाँ पे हैं? मान लो ये आर बाई टू डिस्टेंस पे, हर एक के बीच में सेपरेशन कितना है? आर बाई टू है,
तो आपसे पूछ रहा है कि इस मतलब आर डिस्टेंस पे थे, इस वाले डायग्राम से इस वाले डायग्राम पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे सवाल आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसकी अप्रोच सुन लो, क्या है, हमने क्या सीखा है। अगर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लिया हम लोगों ने। ट्राइंगल का निकाला था मैंने पोटेंशियल एनर्जी, मानते हो, ठीक है। तो इस सिस्टम की जो बड़ा वाला सिस्टम है, ऐसे इस सिस्टम की क्या तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, अभी सिखाया था, ठीक है जी। अच्छा, अब इस सिस्टम की, ये क्यू और ये क्यू, ये आर बाय टू, ये आर बाय टू और ये आर बाय टू, ठीक है बच्चा। तो करना क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन लाना है, और पूछ रहा है कितना वर्क करना पड़ा मुझे यहां से यहां लाने में या यहां से यहां लाने में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, उसे यू लिखोगे, ठीक है जी। इसकी निकाल लोगे यू, ठीक है जी। इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे, इसके भी लिखना जानते हो और इसके भी लिखना जानते हो, ठीक है जी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी का, इसे यू वन मान लो, इसे यू टू मान लो, सेम तो मत मानो, डिफरेंट आएगी। तो इन दोनों का जो बच्चा डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो मेरा क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है बच्चा। आया समझ में? चलो, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो वो वर्क डन आ जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत मिल जाते हैं कि यहां से इस कॉन्फ़िगरेशन से मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी थी पहले वाली, उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उस सिस्टम की क्या निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो क्या आएगा मेरे पास, वर्क डन आएगा। अच्छा बताओ, किसकी ज़्यादा आएगी, यू वन ज़्यादा आएगा, यू टू ज़्यादा आएगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आएगी या इसमें ज़्यादा आएगी। देखो यहाँ पे चार्जेस दूर दूर हैं, ठीक है, सारे चार्ज सेम टाइप के हैं, रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन ज़्यादा यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली बात है, पास में ज़्यादा रिपल्शन होंगे, तो ज़्यादा वर्क डन। देखो मान लो यहाँ कन्फ्यूज लाने मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ा, मान लो, ठीक है, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल 100 आ गई, तो इसकी 100 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। मान लो वो क्या आ गई, 150 आ गई, ठीक है, 150 आ गई, तो पूछा कि वर्क डन कितना किया मैंने इस कन्फिग्रेशन से इसमें लाने के लिए, तो इससे इसमें तो मुझे 50 जूल का वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी, अगर जूल में दे रखा है आपको ये, ठीक है बच्चा, कर लोगे। क्योंकि देखो यहाँ पास पास चार्जेज हैं, तो रिपल्शन ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा मुझे इन्फिनिटी से इस 4 कन्फिग्रेशन में लाने के लिए, क्लियर है। चलो, ये प्रोफाइल होगी मेरे पास, ठीक है। और एक और चीज़ पूछते हैं आपसे, बता देता हूँ, सिंपल सा फंडा है, कोई मुश्किल फंडा नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी की प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चा अपनी, ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछते, पोटेंशियल एनर्जी जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तीनों क्यू दे रखे हैं, सेपरेशन आर दे रखा है। अभी तो मैंने आपको सिस्टम को बनाने का वर्क डन बताया, ठीक है जी। अब वो मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेक अ सिस्टम और ब्रेक अ सिस्टम। तो बनाने का तो मैंने सिखा दिया आपको, ब्रेक वाला सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आपको, तो ब्रेक वाला भी कराया जाता हूँ, ऑल्दो दोनों इक्वली होते हैं, बनाने का काम भी और तोड़ने का काम भी, जो वर्क डन आएगा बेसिकली सेम आएगा। तो देखो अब क्या पूछ रहा है कि मेरे पास ये सिस्टम था, ठीक है, अब इस सिस्टम को ब्रेक करना है, ब्रेक करके चार्जेस कहाँ पहुँचे हैं, इन्फिनिटी पे। बनाते कैसे हैं, इन्फिनिटी से वन बाय वन लेके यहाँ पे रख दिया ऐसे, ठीक है, वो तो बनाने का वर्क डन हो गया। अब क्या है, इसको हम तोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बेसिकली, तोड़ रहे हैं, तो जब ये चार्जेस रिपेल कर रहे हैं बेसिकली, भागेंगे, इन्फिनिटी पे इन पे कितनी रफ्तार आएगी ये पूछते हैं, रफ्तार या काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। मान लो यही सवाल है कि सबका मास एम है, चार्ज मेरे पास ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि जब ये चार्जेस इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तब इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच चार्ज, ऑफ ईच चार्ज एट इन्फिनिटी कितनी होगी। अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनिशियली चार्ज ऐसे थे मेरे पास, इनिशियली चार्ज ऐसे थे, जब वो भागेंगे रिपेल करके इन्फिनिटी पे, हर चार्ज के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मुझे देखना है। तो बच्चा देखो कैसे करना है, बनाने का वर्डन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, लिखा था हमने पहले, फिर से लिखूं क्या, चलो पहले का वर्क डन क्या आएगा, जीरो, दूसरे का क्या आएगा,
के क्यू क्यू बाय आर। तीसरे में दो आएंगे वर्क डन, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो क्या आएगा के क्यू क्यू बाय आर इसके लिए और के क्यू क्यू बाय आर इसके लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं इसमें, तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आर की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो जब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी तो तीनों को इक्वल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना, कोई भेदभाव नहीं करना है। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, क्योंकि सबको सेम मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं इसको ज्यादा मिलेगी इसको कम मिलेगी, नहीं सबको सेम मिलेगी। कितनी मिलेगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक, इसकी काइनेटिक, तीनों सेम है मेरे पास, तो 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कर दिया ऑफ वन पार्टिकल, दैट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल इससे निकल जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। अब वेलोसिटी पूछ रहे हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, जब एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकल गई वो क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/3 ऑफ दिस, ये क्या था 3 के क्यू स्क्वायर बाय आर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई मेरे पास, के क्यू स्क्वायर बाय आर आ गई। इसको क्या लिख दूं मैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, तो इससे क्या निकाल लोगे, वी निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको सिस्टम को तोड़ने का वर्क, सिस्टम को बनाने का या तोड़ने का वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, बनाना भी सिखा दिया, तोड़ना भी सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इतना ही करना है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सवाल यही आएंगे, अब बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल की, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा।